बात बिल्कुल सच है कि टीवी की मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 में इन दिनों अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की रिश्ते की सबसे ज्यादा हर जगह बात हो रही है। शो अंकिता लोखंडे का पवित्र रिश्ता जिस तरह से टीवी के सबसे पॉपुलर शो में गिना गया, अंकिता के रोल को भी काफ़ी सराहा गया था। शो बिग बॉस में इसी तरह से अंकिता लोखंडे सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। अर्चना के किरदार से लोगों के दिलों पर राज करने वाली अंकिता लोखंडे ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना किया। आज वो अपनी शादी को लेकर सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़ी हुई हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, विक्की जैन से शादी से पहले अंकिता जब SSR के जिंदा रहने पर उनसे अलग रहती थी, उन पर कई तरह के एलिगेशंस लगते थे कि डिप्रेशन की वजह से अंकिता सुशांत से दूर हुई। हालांकि सुशांत से ब्रेकअप के बाद ही अंकिता डिप्रेशन में गई थी। इसके अलावा अंकिता लोखंडे के नशे में होने को लेकर तरह तरह की बातें होती थी, तो वहीं सुशांत को लेकर अंकिता का ओवर पॉजिटिव नेचर था जिसके कारण अंकिता उनसे दूर हुई। अंकिता से बेहद परेशान थे सुशांत, इसलिए उनसे उन्होंने रिश्ता तोड़ा। लेकिन अंकिता का कहना था करियर के टॉप पर अंकिता लोखंडे के एक्स बॉयफ्रेंड रहे SSR को कई तरह से माइंड वॉश किया जाता था जिसके कारण उन्होंने अंकिता का साथ छोड़ा। खैर, विक्की जैन में अपना दूसरी बार प्यार ढूंढने वाली अंकिता का फिर दिल टूट गया है। जिस तरह से विक्की जैन के साथ उनके रिश्ते में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार नजर आ रहा है, इससे लोग काफ़ी दुखी हैं। आइए जानते हैं इस वक्त नेटिजन्स अंकिता और विक्की के रिश्ते पर क्या कह रहे हैं, शो में विक्की के बिहेवियर पर लोगों का गुस्सा कैसे विक्की जैन पर निकला है। देखिए रिपोर्ट। टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे शो बिग बॉस में एक बार फिर से अपने हस्बैंड विक्की जैन के साथ अपने रिश्ते में स्ट्रगल कर रही हैं और इसे लेकर नेटिजन्स विक्की जैन को काफ़ी ज़्यादा निशाने पर ले रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि क्यों अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विक्की नेटिजन्स के निशाने पर है और लोग वाकई में अंकिता लोखंडे के साथ सिंपथी जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि अंकिता लोखंडे एक बार हस्बैंड विक्की जैन के साथ एक वायरल वीडियो में नजर आई थी, किस तरह से डायमंड रिंग शो करती हुई, और इसे लेकर विक्की से जब पूछा गया उनके एक्सप्रेशन के बारे में, तो विक्की ने जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया, इसे लेकर फैंस बिल्कुल भी विक्की से खुश नहीं हैं। जी हाँ, अंकिता लोखंडे और विक्की के बीच के रिश्ते की कड़वाहटों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को काफ़ी हैरान किया है। बिग बॉस ऐसी रियलिटी शो है जहां पर आपके रियलिटी चेक को सबसे ज़्यादा जज किया जाता है, और ऐसे में विक्की और अंकिता के रिश्ते की सच्चाई जिस तरह सामने आ रही है, जिस तरह उनके रिश्ते की रियलिटी को सबके बीच लाकर खड़ा किया गया है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस शो में विक्की और अंकिता का रिश्ता इसलिए भी है इस वक्त। खैर, यहाँ पर आपको बता दें, विक्की की मॉम रंजना जैन ने जिस तरह से हेटफुल इंटरव्यू अपनी बहू अंकिता लोखंडे को लेकर दी, इसे लेकर अंकिता के पक्ष में रश्मि देसाई ऑलरेडी रंजना को खूब लताड़ चुकी हैं, और उन्होंने ये बताया है कि एक्ट्रेस को कोई पाल नहीं सकता, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, सुपर हिट थी और सेल्फ डिपेंडेंट थी। आपके बेटे के पास पैसे इसका मतलब ये नहीं कि अंकिता बेरोजगार थी, वो किसी पर डिपेंडेंट कभी नहीं थी, सोच समझ कर कहिए। ऐसे में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के वायरल वीडियो सामने आने के बाद, विक्की का अंकिता को लेकर लालच शब्द कहने के बाद लोग काफ़ी नाराज़ हैं। जी हाँ, रिंग को लेकर अंकिता लालच में थी, ये विक्की ने कहा, उस डायमंड रिंग को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा था, और ऐसा विक्की को लगता था कि वो बड़े से डायमंड रिंग को देखते ही लालच में आ गई थी। तो ये बात जब विक्की कौशल ने अपनी वाइफ को लेकर कही तो नेटिजन्स ने उन पर काफ़ी गुस्सा निकाला, और अंकिता को एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि वाकई में अंकिता लोखंडे को विक्की जैन डिजर्व नहीं करते हैं। लोगों ने ये कहा कि अपना ग्लो वो खो चुकी हैं पिछले 2 सालों में, कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब उसके हस्बैंड विक्की उसे एम्बैरस करने का मौका छोड़ते हों। वहीं एक शख्स ने कहा है कि जिस तरह से कन्फेस किया है शो में विक्की ने, अंकिता सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इन्वेस्टमेंट थी, ये अंकिता को समझने की ज़रूरत है। तो वहीं
शो में अगर विकी जैन को पॉपुलैरिटी मिली है तो बिग बॉस में अंकिता की वजह से ही वो आए हैं, शायद विकी ये भूल गए हैं। वहीं अंकिता को बुरा महसूस कराकर लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं विकी जैन के बारे में एक शख्स ने कहा, ही सेड द अनसेड बिटर ट्रुथ दैट नो वन जनरली सेज इन अ वर्ल्ड, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग हेट। अंकिता लोखंडे मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ। ये कहना है सबका कि सिर्फ उनके पैसे के लिए, उनकी ताकत के लिए अंकिता ने उनसे शादी की थी, और इसलिए वो सच जब विकी सबसे बता रहे हैं तो उन्हें नफरत का शिकार होना पड़ रहा है। एक और ट्विटर यूजर ने कहा है कि आखिर क्यों इस शख्स से अंकिता ने शादी की जो उनका सम्मान तक नहीं करता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा कई लोग अपने दिल की बात रख रहे हैं, अंकिता के प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं, वहीं विकी जैन के प्रति अपना नफरत खुलकर बयां कर रहे हैं। अंकिता को मैटेरियलिस्टिक प्रूव करने की कोशिश विकी जैन की है, इसे अंकिता को समझना होगा। अंकिता की वजह से ही उन्हें अटेंशन मिला, वरना कौन जानता था विकी जैन को। यह कहकर विकी और अंकिता के रिश्ते पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बता दें हाल ही में अंकिता लोहंडे को लेकर कई खुलासे करते हुए उनके एक्स यानी कि बॉलीवुड के सुपरहिट हीरो रहे दिगंत SSR के साथ उनके रिश्ते पर भी तरह तरह के सवाल खड़े किए गए। जब उनकी सास ने अंकिता लोखंडे को लेकर कई रिलेशंस किए, जी हाँ, इसके अलावा विकी और अंकिता के बीच शो में झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं उनके बीच कई ऐसी बातें खुलकर सामने आई जिससे कहीं ना कहीं इनके रिश्ता टूटने की कगार पर नजर आया है। खैर नेटिजन्स ने अपना गुस्सा विकी के प्रति निकाला है, जिससे ऐसा लगता है कि वाकई में विकी पॉपुलैरिटी तो बटोर रहे हैं लेकिन नेगेटिव तरीके से। और वहीं अंकिता की फैन फॉलोइंग शो के बाहर और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, अंकिता लोखंडे पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट गया है। शो बिग बॉस में अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे बचाएंगी अंकिता, जिस तरह की मुसीबतें उनके शो में उनके ही लाइफ के अंदर आ रही हैं, ये देखना होगा। शो बिग बॉस में अंकिता टॉप के पायदान पर क्या जाना डिजर्व करती है, या विकी जैन शो में रहना डिजर्व करते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में से पहले बता सकते हैं। अंकिता और विकी के बीच का ये रिश्ता क्या खत्म हो जाना चाहिए, क्या अंकिता को विकी के साथ रिश्ते खत्म कर देनी चाहिए, या फिर उनकी गलतियों को इग्नोर कर उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, या शो में हाईलाइट्स में रहने के लिए विकी और अंकिता अपने रिश्ते में इस तरह की चीज़ों को एंट्री करा रहे हैं जो वाकई में बहुत नेगेटिव है, या फिर वाकई में इनके बीच करवाहट ने जगह ले लिया? अपनी राय हमें भेजें। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।